नवरात्रों पर माँ दुर्गा की मूर्ति को आपने कई तरह के रूपों में देखा होगा, मगर हम जो आपको माँ दुर्गा का रूप दिखाने जा रहे हैं पूरी तरह से नवरत्नों से जड़ी हुई प्रतिमा है। देखने वाले माता के इस रूप को निहारते ही रह गए। श्री गीता मंदिर विकास नगर पखवा रोड में लुधियाना में हर साल माँ के अलग अलग रूप का दर्शन कराए जाते हैं। इस बार भी माँ का एक दिव्य रूप के दर्शन करेंगे आप, जिसमें ये सारी मूर्ति जो है नगों से बनी हुई है, उपरत्नों से, जेम स्टोन से, और इसको बनाने वाला कारीगर है श्री राम है, बिहार से कारीगर है। वो हमारे मंदिर में हमेशा नई नई कलाकृतियाँ पेश करता है, लेकिन इस बार जो ये कलाकृति है ये सारे जेम स्टोन्स हैं, बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी उसने बड़े सलीके से और बड़े सुंदर तरीके से इस मूर्ति को सजाया है। और इसमें हमें पूरी आशा है कि ये श्रद्धालु इनके दर्शन करके जीवन में आ रहे अपने कष्टों को छुटकारा पाएंगे और अब उनका जीवन सुखमय हो जाए। ये इनमें बनाने में 2 महीना लगा जी, ये जेम स्टोन से बने हुए हैं ज्योतिषों के आधार पे। जी मैं भी पहली बार देख रही हूँ, ये 9 रत्न ना बनाई गई है। गीता माता मंदिर दे विच असी हर साल आते हैं, इतने डांडिया भी खिलाया जाता है, बच्चों को सिखलाई भी दी जाती है और कंप्यूटर कोर्सेस भी करवाए जाते हैं। ये सारा प्रोग्राम जो है मंदिर के ट्रस्टी वालों करवाया जाता है, क्योंकि प्रदीप टल जी जिहड़े इस मंदिर के ट्रस्टी ने वो बहुत अनोखे काम करते हैं, पर इतने आके बहुत शांति मिलती है, क्योंकि इन्नी अद्भुत अनोखी मूर्ति का इन्होंने निर्माण किया जो 9 इन्ने बड़े रत्नों ना बनाई गई है। बहुत अच्छा लगता है इतने आके, बहुत जिन कह लो कि पंजाबी कल्चर को देखने का एक मौका मिलता है इतने आके। वधिया इन्ना को लगता वा कि संस्कार सानू अपने आप में यह लगता कि असं जिहड़ियां चीज़ों पिछे छड़ के आ गए वो इतने आके देखने को मिलती है।